वीकेंड के वार के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था और मैं ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ और हार्ट बीट भी बहुत बढ़ गई थी। तो उस दिन मेरी बेटी ने मेरे को दवाई वाई खिला दी, बस सो गया था। सुबह फिर मेरी हालत खराब होने लगी थी तो मेरे को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। मैं आईसीयू में था और आईसीयू में था, मैं शायद मेरी ऐसी बेटी बता रही है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है क्योंकि दवाइयों की वजह से मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा। तो वो बेटी बता रही थी कि आप बार बार सुंबुल सुंबुल बोल रहे थे। तो देन उसने मैनेजर से बात करी कि किसी भी तरह से सुंबुल को बुला लो ताकि पापा उससे एक बार मिल लें, पापा ठीक हो जाएंगे। अब उनके बीच में क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो पूरे 24 घंटे होने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा और लगभग नीम बेहोशी की हालत में था, आधा बोल रहा था आधा नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद अचानक सानिया से बता रही है मुझे मेरी बेटी कि उसने लाके मोबाइल दिया कि आप अपनी से बात करो, और मैंने उससे बात करी। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। देन जब मैंने थोड़ा जब नॉर्मल हुआ मैं, उसके बाद मैंने देखा कि प्रोमो में मेरी आवाज़ आ रही है। तो मैंने सानिया से पूछा, बेटा क्या है? तो बोले, पापा जो आपने फ़ोन पे बात की थी ये वो है। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होकर आया घर जाके, फिर मैंने पूरा एपिसोड देखा, पूरा कन्वर्सेशन सुना। उसके बाद मैंने सानिया से पूछा, बेटा क्या यही सब मैंने बोला है? तो उसने बताया, हाँ पापा। फिर मुझे खुद बहुत अजीब लगा, स्पेशली दो शब्दों के लिए, एक जो पर्टिकुलर शब्द पे बहुत हाई तबा मची हुई है कि मुंह पे लात मार देना, और एक औकात। तो मैं एक बात तो कहूँगा कि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, और मैं किसी बेटी के लिए इस तरह के शब्द सामान्य अवस्था में या नॉर्मल अवस्था में तो नहीं बोल सकता। और यदि आपको विश्वास ना हो तो आपने ध्यान दिया होगा, इससे पहले मैं दो बार बिग बॉस में आया हूँ और दोनों बार मेरी आवाज़ आप तक पहुँची है, पर इस बार मेरी आवाज़ के साथ सब टाइटल चल रहा था। क्यों? क्योंकि आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही थी, उन्होंने लिख लिख के बताया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं उस वक्त किस हालत में था, और इन दो पर्टिकुलर शब्दों के लिए मैं नेशनल टीवी पे या आपके सामने मैं उन दो शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा वुमन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, लड़कियों की बात करता हूँ, मेरी कविताओं में भी सब्जेक्ट लड़कियां ही होती हैं, तो मैं किसी लड़की के बारे में जानबूझ के ऐसे शब्द तो नहीं बोल सकता। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पे कमेंट कर हमें बताएं। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप तो।